ये विषय तो ऐसा है कि इसका नाम एक षडमासिकी भी है, 6 महीने का समय मिले तब बोला जाए रास पर। और ये हमारी क्या सामर्थ्य है कि 6 महीने के हम 6 मिनट भी रास पर बोल सकें, ये तो हमारे गुरुदेव की कृपा है। वही बोलते हैं, वही सुनते हैं, वही बुलवाते हैं। परम आनंद रास में भक्त वृंदों ने प्राप्त किया, बड़े बड़े क्रूर आए नहीं ले जा सके, बड़े बड़े राक्षस आए नहीं ले जा सके। नारद जी पहुंचे कंस के पास और कहा, कंस लग रहा है बड़े दयावान हो गए हो, बड़े कृपालु हो गए हो। बोले क्या बात है, 11वें वर्ष में वो कृष्ण प्रवेश कर चुका है जो तुम्हारा काल है, और तुमने अभी तक कोई उपाय नहीं किया उसको मारने का। कंस ने कहा, उपाय तो बहुत किए, पूतना को भेजा, तृणावत को भेजा, सकटासुर को भेजा और अनेक राक्षसों को भेजा, पर कोई नहीं मार पाया। पर मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि मेरे सामने कृष्ण बलराम आ जाए तो मैं मार दूंगा, पर कभी ऐसा अवसर ही नहीं पड़ा कि वह मेरे सामने आए हो। नारद जी ने कहा, जो भगवान शंकर का धनुष है वहीं से कर लीजिए। भगवान शंकर का आपके पास जो शिव धनुष है, उस शिव धनुष का कार्यक्रम रखिए। मेला लगेगा, जो उस धनुष को तोड़ेगा उसी के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। मेला देखने कृष्ण बलराम देखने आएंगे, धोखे से तुम मार देना। योजना बनाई। शाम के समय नारद जी पहुंच गए गोकुल के मार्ग पर। भगवान वृंदावन से नंदगांव वापस लौट रहे हैं गैया चराकर। गाय के चरणों से ब्रजरज उड़ रही है, इसलिए उस समय को गोधूली बेला कहा जाता है। जब दोनों समय मिलते हैं शाम को गोधूली बेला, क्योंकि जब हमारे गोविंद गैया चराकर वापस लौटते हैं।